आ ही गए वीडियो पे, क्लिक करके देख लिया कि क्या बनाया है। तो जब यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? पता नहीं, हमारे तो बढ़िया हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, तो क्या हाल चाल है यार? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में या आज के ब्लॉग में हम कुछ अलग ट्राई करने जा रहे हैं। तो अलग क्या ट्राई करने जा रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम अपने सिटी के सबसे चीप एंड सबसे एक्सपेंसिव फूड ट्राई करेंगे और उनका रिव्यू देंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, और जो भी हमारा ओपिनियन होगा उस फूड के बारे में कि अच्छा लगा बुरा लगा, तो वो हम आपको देंगे। तो एंड वीडियो को देखना एंड आपको तो पता ही है क्या करना। तो अभी सबसे पहले जो हम फूड ट्राई करने जा रहे हैं वो है बर्गर। एंड सबसे पहले हम सादा वाला बर्गर ट्राई करेंगे एंड फिर चिकन वाला बर्गर ट्राई करेंगे और उसका रिव्यू देंगे कि कैसा है। तो अभी बर्गर लेने चलते हैं एंड हम पार्सल करवा लेंगे और घर पे आकर यहाँ आराम से बैठ कर रिव्यू देंगे। तो चलते हैं। तो खाना आ गया है और आपको दो बर्गर दिख रहे होंगे। मेरे साथ हमाद भी और वो वीडियो बना रहा है एंड तो हम दोनों ये रिव्यू वगैरह करेंगे। एंड ये जो है ये एक्सपेंसिव वाला है और ये चीप वाला है। तो ट्राई करते हैं और रिव्यू देते हैं आपको। तो चलो अब शुरू करते हैं और ट्राई करके बताते हैं ये कैसा है। तो सबसे पहले हम ट्राई करें कौन सा करेंगे? चीप वाला। चीप वाला ट्राई करते हैं। तो जो एक्सपेंसिव वाला था उसके साथ ये केचप का ये, और जो चीप वाला था उसके साथ ये चटनी दी है। और ये ट्राई करते हैं। रिव्यू तो एंड पे देगा ना खा के। नॉट बैड यार, अच्छा है, सही है। तो हमने चीप वाला खा लिया और रिव्यू इसका हम बाद में देंगे और अभी हम एक्सपेंसिव वाला खाने लगे हैं। तो ये चिकन बर्गर है तो इसको खाते हैं और रिव्यू देते हैं। आप टेस्ट करके फिर बताओ, मतलब आप टेस्ट करके शूट ले लो। पहले मैं रिव्यू दे देता हूँ। तो यार देखो, जो नॉर्मल वाला था ना उसका टेस्ट अच्छा था, बुरा नहीं था। वो कितने का मिला एक? कौन नॉर्मल वाला? 15 रुपये का। वो 15 का है और ये जो चिकन बर्गर है वो 120 रुपये का है। हाँ, एक और वो था 15 रुपये का। तो उसका टेस्ट ठीक था, इंस्टेंट उसका टेस्ट था, जैसे खाओ और आपको टेस्ट आएगा। और ये जो था ये अशर को मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे तो ठीक लगा। इसका टेस्ट जो है वो बाद में आपको पता लगता है, जैसे आप खाओगे तो आपको अजीब सा लगेगा, इतना कोई मतलब ख़ास नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम जिंगल लाते तो शायद अच्छा हो जाता इसका, लेकिन उसके साथ इसका मैच नहीं बनता जो हमने 15 वाला जो खाया। बस एक घंटे की वीडियो नहीं बनानी यार, मैं बातें करने में। तो अब मेरी बारी रिव्यू देने की। तो जो चीप वाला था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो एक्सपेंसिव वाला था वो भी अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लगा। और अगर आपके पास 15 रुपये है ना, तो मैं कहूँगा कि वो चीप वाला आप खाइएगा और बेस्ट बर्गर है वो। नहीं, ज़्यादा पैसे हैं तो खाइएगा, छोड़ा तो ये भी नहीं है आपने। तो अब हम ट्राई करने जा रहे हैं दूसरा फूड, और दूसरा जो फूड होगा वो होगा आप सबकी फेवरेट और मेरी फेवरेट बिरयानी। तो अभी मेरे साथ फिर हम आते हैं और अभी हम ट्राई करते हैं और दिखाते हैं पहले आपको कि बिरयानी कैसी है। आपको दिख रही है ये एक्सपेंसिव वाली है और ये जो है ये चीप वाली, लेकिन ये चीप वाली लग नहीं रही, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। एंड अभी इसको ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करने जा रहे हैं एक्सपेंसिव वाली और उसके बाद करेंगे चीप वाली, तो फिर आपको रिव्यू देंगे कि कैसी है। तो ट्राई करते हैं, चलें। ये तो हम खाते ही रहते हैं, पता है हमें, ठंडी हो गई। तो हमने एक्सपेंसिव वाली ट्राई कर ली और अभी हम चीप वाली ट्राई करके देखते हैं और रिव्यू देते हैं। चीप वाली वैसे बहुत अच्छी लग रही है दिखने में, ये सिंपल है। कोई रायता भी तल गया उसमें?
ये नीचे देखो हलीम डला हुआ। तो जब हम खा रहे थे तो लाइट चली गई थी और अभी हमारा रिव्यू देंगे। हम बताएं कैसी लगी आपको बिरयानी दोनों, पहले आप दे दें फिर मैं दे। तो मेरे रिव्यू की बात कर ली जाए तो मुझे जो है ना एक्सपेंसिव वाली ऑब्वियसली अच्छी लगी, उसमें पता नहीं क्या था वो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा था तो इस वजह से मुझे टेस्ट वाइज और हर चीज़ वाइज ये एक्सपेंसिव वाली अच्छी लगी। हाँ तो यार एक्सपेंसिव वाली भी ठीक थी, प्राइस नहीं ना बताई। नहीं प्राइस नहीं बताया, प्राइस ये 80 रुपीज़ की है और ये जो है वो 30 रुपीज़ की। ये 30 रुपीज़ की पाव आती है एक पाव और ये भी पाव ही आती है, तो हम ये वाली तो खाते रहते हैं। एक्सपेंसिव वाली जो है हम जो कह रहे हैं इसमें 80 रुपीज़ वाली, इसका टेस्ट वैसे ही अच्छा लगता है हमें, इसलिए यही अच्छी लगी ऑफकोर्स। और वो जो थी वो नॉर्मल थी, इतनी बुरी नहीं थी, 30 रुपये में काफ़ी अच्छी मिल जाती है उसमें। तो अभी जो नेक्स्ट फूड हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है फ्रेंच फ्राइज़, और ये हम आज सेटअप कर रहे हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है फ्रेंच फ्राइज़, और इस तरफ है चीप वाली एंड इस तरफ है एक्सपेंसिव वाली। और चीप एक्सपेंसिव प्राइस भी बताओ। प्राइस इसकी है 10 रुपीज़ और इसकी कितनी है? ये मिनिमम मिलती है ये 30 रुपये की, लेकिन ये तो हमने 100 की लेके रखी है और सारे पैसे इसके हैं बताओ। हाँ सारे पैसे इस चटनी के हैं क्योंकि ये इसके साथ बहुत तीन चीज़ें मिक्स हैं, क्रिस्पी टाइप या क्या कहेंगे, केचप है, मायोनीज है और एक उसका बड़ा अच्छा स्पेशल चटनी है। बड़ा अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का। तो सबसे पहले जो हम ट्राई करेंगे वो है चीप वाली, एंड इसकी जो शक्ल है वो इस तरीके की है और बिल्कुल अजीब सी एक लग रही है हमने, तो ट्राई करते हैं और देखते हैं। ठंडी है बहुत ही है। अब ट्राई करते हैं एक्सपेंसिव वाली, सारे पैसे इसके। हमने फाइनली खा लिया और हमारा रिव्यू दीजिए। हाँ आप दें पहले। तो मेरे रिव्यू की बात कर ली जाए तो ऑब्वियसली के एक्सपेंसिव वाली जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। इधर मैं एक पिक्चर भी लगा दूँगा, उसके अंदर जो मसाला था और मसाले के साथ जो चटनी का कॉम्बिनेशन था वो बड़ा ही अच्छा था और मुझे ज़्यादा अच्छी लगी बनिस्बत चीप के। और चीप भी अच्छी थी लेकिन एक्सपेंसिव वाली तो फिर वो अगर आपने खाई हो शदादपुर में प्रेस क्लब के सामने वाली तो वो तो फिर अलग ही इसका टेस्ट। तो अब अहमद आप अपने रिव्यू दीजिए, क्या तो कहना चाहेंगे? यार ऑब्वियसली बात है जो स्पाइसी थी एक्सपेंसिव वाली वो हमें ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि हम वही खाते रहते हैं, और ये नॉर्मल वाली भी हम खाते थे लेकिन अभी हम ये जो लेकर आए हैं ये बाद में लिए, लेकिन फिर भी ये ठंडी हो चुकी थी, ना इतना कोई खास जो है वो टेस्ट आया था। और वो स्पाइसी वाली में सारा कमाल ही उस चटनी का, जो तीन चटनियाँ उसमें मिक्स करके देता है, तो पॉइंट उसी को जाता है स्पाइसी वाली को। तो बस यार यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद है तो शेयर करना, अगर और ज़्यादा पसंद है सब्सक्राइब करना, अगर और ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों को बताना और हमें कमेंट में ये बताना कि अगर ऐसी वीडियोस हम और लाएं, और अगर आपको पसंद आई तो हम और लेकर आएंगे चीप वर्सेज एक्सपेंसिव, काफ़ी चीज़ों का हम ट्राई करेंगे, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाबा जी से।